हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शैतान कैसा दिखता है पूरे देश को पता चलना चाहिए। देश के हर अखबार के फ्रंट पेज पे तेरी फोटो छपनी चाहिए। मासूम लड़कियों से नकली शादी करते हो, फिर बाहर के देशों में ले जाके उन्हें बेच देते हो। माफ कर दीजिए सर, गलती हो गई। नहीं नहीं, इस गुनाह की कोई माफी नहीं, कोई माफी नहीं। पहले जैस्मिन से शादी की, फिर इस बेचारी सान्या से। बोल, और कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है तूने? इसको बिल्कुल मत छोड़ना सर। आज आप लोग सही वक्त पर नहीं आते, ये तो मुझे भी किसी और देश में बेच चुका होता। मगर तुम्हें तो मालूम है मैं एक गुलाम हूँ। मुझे नहीं पता किसका गुलाम। उन्होंने क्या पूछा, किसका गुलाम है? प्रिया मैडम का। जैसा जैसा प्रिया मैडम बोलती गई वैसा वैसा मैं करता गया। कहाँ है प्रिया मैडम? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं। जब प्रिया मैडम की सारी बातें मानते हो, तुम्हें ये नहीं मालूम कि प्रिया मैडम कहाँ है? कैसे बताऊं? ये सर सर ये रेगुलर। अरे देखो ये वायलेंस ठीक नहीं है। हम लोग फंस जाएंगे इसमें। ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। ऐसे मार सकते क्या किसी को? नहीं नहीं सर, कुछ नहीं है, अपने आप बैठे बैठे गिर गया था। आ सर, गिर गया। बैठो, अब पता चला प्रद्युमन कैसे सॉल्व करता है केस फटाफट। हाँ सर, काम कर रहे हैं लोग और नाम हो रहा है प्रद्युमन का। अच्छा हुआ पत्ता कटोगे। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम प्रिया मैम का है। यहाँ थोड़ा पढ़ने के बाद भी तेरा कंप्यूटर चला नहीं अभी तक? सिर्फ उनकी बेटी एलियाना बता सकती है वो कहाँ है। ये नकली शादियों के लिए लड़के और लड़कियां कहां से लाते हो तुम लोग? ये भी सर प्रिया मैडम ही बता सकती है, मुझे वाकई कुछ नहीं मालूम सर। हर बात पे प्रिया मैडम है, जो अभी तक पकड़ा नहीं गया। बाप की मटकी उसके सर पर फोड़ रहा। तुम दूध के धुले हुए हो क्या? मैंने कहा ना सर, मैं तो सिर्फ एक गुलाम हूँ। मेरे ऊपर प्रिया मैडम है और प्रिया मैडम से ऊपर कोई और है शायद। हमें तो एक नंबर से फोन आता है बस। किस नंबर से फोन आता है? प्राइवेट नंबर है, नंबर दिखाई नहीं पड़ता। फिर सर हमको जो ऑर्डर दिया जाता है कि हमें क्या करना है कैसे करना है। आखिरी फोन किसका आया था? प्रिया मैडम का। फिर प्रिया? अरे कहा क्या उसने? सर उन्होंने कहा था सानिया को लेके जाओ और विराट के हवाले कर दो। बिल्लू को रोहन बना दे। ये तो साइंटिस्ट है यार, आदमी को आदमी से बदल देता है। कैसे बनाया बिल्लू से रोहन? अरे सर नाम बदल दिया और क्या। बस सर अमर के घर से जो लैपटॉप मिला था उसे रिपेयर करवाया। इसमें कुछ लड़के लड़कियों के नाम है जिनकी नकली शादी करवाई गई है। चल भाई, प्रद्युमन के बिना भी केस तो आगे बढ़ रहा है। और सर ये ज्यादातर लोग एक ही जगह से आए हैं। कौन सी जगह से? सर मंगल शादी मैरिज ब्यूरो सर। अगर आप चाहो तो आपके लिए कोई अच्छा प्रपोजल ढूंढ सकता हूं मैं। मंगल शादी मैरिज ब्यूरो? क्या बात सर, वहां पे तो आपकी भी शादी की। अरे फंसा दिया मुझे प्रद्युमन ने। अरे प्रद्युमन जाके इसी मैरिज ब्यूरो में काम कर रहा है। क्या सर? बेवकूफ बना दिया मेरा, प्रिया के लिए काम कर रहा है। प्लीज सर प्लीज, आप कहना चाहते हैं कि प्रद्युमन साहब का हाथ है इन लड़कियों को विदेश ले जाके? हाँ सर। रेड मारो अभी, अभी रेड मारो वहां पे, मंगल शादी ब्यूरो पे रेड मारो अभी, तभी पता चलेगा प्रद्युमन क्या कर रहा है वहां पे। ये हमारी दो बेटियां नेहा और नीलम, और 6 महीने में ये रिटायर्ड हो रहे हैं। हम चाहते कि उससे पहले हमारी दोनों बेटियों की शादी हो जाए। एक बात और,
हम बहुत ही साधारण परिवार के लोग हैं, दहेज वगैरह बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। अरे आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने इन लोगों को सब समझा दिया है। जी हाँ, इनकी कोई मांग नहीं है। ऐसी बातें करके आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं, हमें तो सिर्फ संस्कारी और सुशील बहू ही चाहिए। एक मिनट, अभिजीत क्या हुआ? सर डीसीपी चित्रोले मंगल मैरिज ब्यूरो में रेड करने वाले हैं। सर रेड करने वाले मैरिज ब्यूरो में? क्यों सर? उन्हें शक है कि लड़कियों की शादी करा के फंसाने में आप भी शामिल हैं। सर डैम इट, चित्रोले मुझ पर शक कर रहा है, मुझ पर। सर आप प्लीज वहां से निकल जाइए जल्दी से जल्दी। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। हाँ अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। एसीपी प्रद्युमन, कहीं से पता तो नहीं चल गया? हेलो सर, आप ये क्या कर रहे हैं? हाँ सर, अगर आप मैरिज ब्यूरो में रेड डालोगे तो मेरा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा सर। आ गया ना सब खुल के सामने, उतर गए शराफत की नकाब। जब केस सॉल्व होने का टाइम आया तो बोले रेड मत करो। रेड नहीं करेंगे तो क्रिमिनल्स पकड़े कैसे जाएंगे प्रद्युमन साहब? देखिए सर, एक तो आपको पूरी बात पता नहीं और फिर बात बात पर उखड़ जाते हो आप। हाँ? मैं उखड़ जाता हूँ? और नहीं तो क्या? हाँ? मैं उखड़ जाता हूँ? फिर वही? देखिए सर, अगर आपने रेड करवा दी ना अभी मैरिज ब्यूरो में, तो असली गुनेगार हाथ से निकल जाएगा, सब अंडरग्राउंड हो जाएंगे, मेरी बात समझो। उन्हें पता चलेगा कैसे की रेड होने वाली है, तुम बताओगे तभी ना। मैं ना चित्रोले साहब, पुलिस फोर्स से कतारी, जिस थाली में खाया उसी में छेद। तो फिर डीसीपी चित्रोले मेरी भी बात सुन ही लो। आप है ना, आप एक बिथरे हुए सांड की तरह कर रहे हो। बिथरे हुआ सांड? मैं? हाँ हाँ, आप बिथरे हुए सांड की तरह कर रहे हो, समझे? देखता हूँ मैं आप कैसे रेड करते हैं। मैं सीआईडी की रेड होने ही नहीं दूंगा यहाँ पर इस मैरिज ब्यूरो में। अपना पूरा जोर लगाऊंगा लेकिन रेड होने नहीं दूंगा। यस कहाँ टपक गए हैं? मुझे अभी अभी एक कॉम्प्लीमेंट मिला है, एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट जिसे सुन के मेरा दिल बाग बाग हो गया। आपको कॉम्प्लीमेंट मिला? हाँ, मुझे किसी ने बिथरा हुआ सांड का। ये कॉम्प्लीमेंट है सर या सरासर गाली है? चार पांच आंसू निकले थे गुस्से में, वही सूट ने पी लिए। मगर सर ये कहा किसने आपको? प्रद्युमन ने। और किसने? इस हद तक उतर आए हो? और मालूम है उसने क्यों कहा? क्यों? क्योंकि मैंने मंगल शादी ब्यूरो पे रेड करने के लिए कहा था और यहां से किसी ने फोन कर दिया। कौन है वो विभीषण? कौन है? किसने बताया? तुमने? मैं तो आपके साथ हूं सर, है ना? यहां से बची है बगावत की सीटी। हम्म, तुमने कहा? जी सर। क्यों सर? जब वो कह रहे हैं कि रेड करने से नुकसान हो सकता है, मासूम लड़कियों की जाने जा सकती हैं, तो रेड करने से नुकसान हो सकता है सर। आप ये क्या कर रहे हैं सर? आप उसी मैरिज ब्यूरो में क्यों काम कर रहे हैं सर जहाँ पे चित्रोले साहब की नजर है? सर आपको तो मालूम ही है कि उस मैरिज ब्यूरो में कुछ गड़बड़ है, फिर भी आप वहीं पे नौकरी कर रहे हैं सर? और सर ये डीसीपी चित्रोले वहाँ पे रेड करने के चक्कर में है सर। जो कुछ भी होता है
चाहे डीसीपी चित्रोले या एसीपी दिग्विजय, दोनों तुम्हें कहें कि उस मैरिज ब्यूरो पर रेड करो, तो प्लीज रेड मत करना, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सर, हम पहले भी आप ही के ऑर्डर्स मानते थे और आगे भी वही करेंगे सर। मगर सर, आप हमें ये तो बताइए कि जिस दिन ब्लास्ट हुआ, उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था? आप वहां से चले क्यों गए? क्या कर रही हो? और ये सारी लड़कियां, तुम लोग घबराई हुए क्यों? क्या हुआ यहाँ पर? क्या हो रहा है? सर, हम सब मजबूर हैं सर। सर, हमारी शादी धोखे से, झूठ बोलकर सर, असली में करवा दी गई है। और फिर हम सबको अपने अपने पतियों के साथ यहाँ से बाहर ले जाया जा रहा है सर। और अगर हमने भागने की कोशिश की तो मैरिज ब्यूरो वाले हमारे परिवार को मार डालेंगे सर। है कौन ये? कौन सा मैरिज ब्यूरो है जिन्होंने तुम्हारी शादियां करवाई हैं? सर, मंगल शादी मैरिज ब्यूरो सर, प्लीज हमें इस तरह से बाहर निकाल दीजिए सर, प्लीज सर। मंगल शादी मैरिज ब्यूरो? घबराओ मत, अब मैं आया हूँ ना, तुम सबको सही सलामत बाहर निकालूंगा। चलो जल्दी, चलो जल्दी, चलो जल्दी, चलो जल्दी, चलो। एसीपी, कोई कहीं नहीं जाएगा, मिलना मत एसीपी, वरना इन लड़कियों की मौत के जिम्मेदार तुम होगे। अगर इन लड़कियों में से किसी को भी कुछ भी हुआ ना, तो याद रखना तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा, समझे? तुम क्या एसीपी, तुम्हारी पूरी सीआईडी फोर्स भी इन लड़कियों को नहीं बचा पाएगी। गंदो, ले, ए, चल ले, चल लड़कियों, ए, लड़कियों को पीछे ले, ले निकाल, निकाल, ए, चल, पीछे, पीछे, एसीपी, पीछे, चल, चल, ए, नाचा, देखो लड़कियों को छोड़ दो, चल, चल जल्दी, चल, ए, चल, 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 नाटक करी जा रहा, चल निकल बाहर, चल, चल जल्दी, चल। माय गॉड, जस्मीन, जस्मीन, ठीक तो? हाँ सर, मैं ठीक हूँ सर, लेकिन सर वो लड़कियों को बचा लीजिए सर। सर, एक बार वो बाहर चले गए तो कभी वापस नहीं आएगी सर। तुम अपना ख्याल रखना। चल अंदर ले, अंदर ले, आवाज नहीं, चलो चलो। रुक जा, वही रुक, वही रुक, नहीं तो ला दूंगा भेजा इसका, एक एक समर जाएगी यहाँ। मेरी बात सुन, छोटे लड़की को ले एसीबी, कर नीचे, कर नीचे एसीबी। क्या कर रहे हो तुम? लड़कियों को कुछ मत करना, वरना इसका भेजा उड़ा दूंगा मैं। नहीं, ए, अंदर ले, अंदर लो, अंदर ले, ए, क्या कर? चल अंदर, चल। देखो मेरी बात मानो, लड़कियों को बिल्कुल नहीं, लड़कियों को छोड़ देना, गलती मत करना। लड़कियां अभी भी फंसी हुई है, किसी भी हालत में उन लड़कियों को बचाना ही होगा। अगर रेड मार दिया तो लड़कियां हाथ नहीं लगेगी। पर सर, अब तो हमें सब कुछ पता चल चुका है, तो आप क्यों नहीं कुछ कर सकते? लेकिन अब तक तो सिर्फ इतना ही पता चला है कि ये सारा रैकेट उस मंगल शादी ब्यूरो में से भी चल रहा है। लेकिन इसके पीछे मास्टर माइंड कौन है और उसका तरीका क्या है, ये नहीं पता चल रहा है। हम तो चाहते थे कि रिश्ता जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन पता नहीं क्यों प्रदुमन जी मना कर दिए। मिस्टर प्रद्युमन, दोपहर को क्या किया आपने? अच्छी खासी चल रही शादी की मीटिंग को कैंसिल करवा दिया। वो वक्त सही नहीं था, इसलिए। वक्त तो आपका गलत है। आपको सैलरी किस बात की मिलती है?
जोड़ियां बनाने की या जोड़ियां तोड़ने की? वैसे दोपहर को आप गए कहां थे? मैम एक इमरजेंसी आ गई थी, लेकिन आई एम सॉरी ये आइंदा ऐसे नहीं होगा। ये लोग वापस कैसे आ गए? मैंने बुलाया है उन्हें। जो काम आप अधूरा छोड़ के गए थे उसे मैंने पूरा किया है। मैंने मयूर और सुमित की शादी नीलम और नेहा के साथ तय कर दी है। मिस्टर पदुमन, आप आ गए, सब ठीक ठाक है ना? हमारी बेटियों के लिए इतने अच्छे दूल्हे ढूंढने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं नहीं, मैंने क्या किया, मैंने तो सिर्फ पहचान करके दी। अब इन्होंने एक दूसरे को पसंद कर दिया, बस हो गया। सही फरमाया आपने। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, सुमित और मयूर को 2 महीनों में वापस अमेरिका लौटना है, और वो चाहते हैं कि नीलम और नेहा भी उनके साथ जाए, इसलिए हमें शादी जल्द से जल्द करवानी पड़ेगी। ये कैसे हो? मालूम नहीं सर, मैं अंदर आया तो देखा कि मरा पड़ा था। चाय पी के मरा क्या? शायद सर, शायद। जिसे मालूम था कि प्रिया कहाँ है, उसे तो सीआईडी के लॉकअप में मार दिया गया। मैंने ये करने के लिए नहीं कहा था तुझे। सर मैंने नहीं मारा इसे, मेरे आने से पहले कोई मार गया। तुम कहाँ गए थे? सर मैं 2 मिनट के लिए बाहर गया था। बाहर गया था? सचिन कुछ तो गड़बड़ा यहाँ। मैंने सुना है कि यहाँ पे अमर, अमर मर गया? जी सर। जो बता सकता था कि प्रिया कहाँ है उसी को मार दिया। तुम लोग केस सॉल्व नहीं होने दोगे। चाय पी के मरा। चाय पी के? मगर चाय चाय वाला पकड़ लिया। मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? नहीं। तो फिर चाय में जहर मिलाया किसने? सर चाय की दुकान पर किसी ने मिला दिया होगा, मैंने तो बस लाके नहीं दी। चाय के दुकान में बाहर का कोई आदमी आया था? हाँ सर, लाल गाड़ी का ड्राइवर आया था। लाल गाड़ी? गाड़ी में और कौन था? सर गाड़ी में एक औरत बैठी थी। औरत? लाल गाड़ी में एक औरत? और लाल गाड़ी में एक औरत, एक औरत, प्रिया? प्रिया? हाँ सर, प्रिया। प्रिया? प्रिया? ओ प्रिया, प्रिया। अगर आज प्रद्युमन यहाँ पे होता ना तो सीआईडी के लॉकअप में यह मौत नहीं होती। जैसे को हमने उसे मारा। प्रिया, इस प्रिया को उसके बिल से निकालना पड़ेगा। ये सगाई तो हो गई। बधाई हो। थैंक यू हिमानी जी और प्रद्युमन जी। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हम आपका और आपकी मैरिज ब्यूरो का किस तरह शुक्रिया अदा करें। ये तो हमारा काम है,
अब शादी भी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। इमानी जी, इतनी जल्दी भी क्या है शादी करने की, सगाई तो अभी अभी हुई है। मिस्टर प्रद्युमन, मैं इन लोगों के साथ शादी की डिटेल्स डिस्कस कर लेती हूँ। ठीक है। तब तक आप मेहमानों के साथ लंच कर लेंगे? हाँ, ये, ओके। देखो, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। जी सर, सर हम दोनों ने माइक्रोफोन वाली अंगूठियां उनको पहना दी। गुड। सर, वो दोनों लड़के शादी के लिए बहुत उतावले हो रहे हैं। होने दो, लेकिन ये दोनों दूल्हे ही हमें इस गैंग के मास्टरमाइंड तक पहुंचाएंगे। हम सुन रहे थे फरमाइश आपकी गाने हमारे। अब गानों के बीच सुनिए एक सनसनी खबर। सीआईडी की टीम ने मैरिज ब्यूरो के नाम पर चल रहे औरतों के गैर कानूनी व्यापार का पर्दाफाश कर दिया है। पता चला है कि एक ब्लैक फील्ड कॉफी शॉप की मालकिन एलिना ही इस कांड की मुख्य सूत्रधार थी। क्या सीआईडी एलिना से पूछताछ करके इसमें शामिल और लोगों का भी पर्दाफाश कर पाएगी? हमें अंतिम खबर मिलने तक सीआईडी ने एलिना को गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है सर, बीच सड़क पे खुलेआम लड़ाई झगड़ा। चलो देखते हैं। श्रेया, इलेना पे नजर रखो। ये ना जाने कहां से आए और मुझे मारने लगे। चलो जाओ यहाँ से, चलो अपना काम करो। ये कौन है रे तू? गोली मत चलाना। नीचे उतरो। ये क्या कर रही हो तुम? मैंने कहा नीचे उतरो, जल्दी। देखो, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। अलीना, नहीं, मैं जल्दी आओ। कौन हो तुम? तुम्हारी माँ ने मुझे भेजा। नहीं, जल्दी आओ। सर, इलियाना को पकड़ने का प्लान कामयाब हो गया सर। प्रिया ने हमला कर ही दिया। श्रेया, तुम ठीक हो? सर, 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 इलियाना वो गाड़ी में। एक तो मर चुकी है। सर, शरीर पे कोई घाव का निशान या गोली का निशान भी नहीं। सर, इलियाना जिंदा है लेकिन पल्स बहुत कम है। इसकी गर्दन पे निशान है। इलियाना को भी। श्रेया, जल्दी से इलियाना को हॉस्पिटल लेके जाओ। और हाँ, जरा संभाल के, हो सकता है इस पर दोबारा हमला। सर, गाड़ी का नंबर प्लेट तो है नहीं। नंबर प्लेट नहीं है? बस कोई बात नहीं, गाड़ी के चेसिस नंबर से पता चल जाएगा कि गाड़ी किसकी। सर, ये देखिए, टायर्स पे अलग अलग तरह के रंग लगे हुए। डॉक्टर सालों के ही बताएंगे ये कैसा रंग है। सर, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, ये प्रिया अपनी ही बेटी को क्यों मारना चाहे? ये बात तो है प्रिया। Yeah.
तुम एक मिनट यहीं रुको, हाँ मैं अभी आता हूँ, ओके। सर अभी मयूर जस्ट अभी जेरॉक्स की दुकान पर गया है, हालांकि उसके पास जेरॉक्स या फोटोकॉपी करवाने के लिए कोई पेपर नहीं है। ओके ओके सर, सर ओके बाय। हेलो सर, सर वो अभी मोबाइल की शॉप पर गए। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने उन्हें कहा था कि हम दोनों को लंच करवाओगे। हाँ कहा तो था, और तुम लोगों ने वादा भी किया था कि आज हम पूरे दिन साथ में रहेंगे, फिर ये सब क्या है। हाँ कहा तो था लेकिन हम लोग कुछ काम आ गया सर। अरे बाबा परेशान क्यों हो, तो रात को डिनर करते हैं ना, अभी दो मिनट का काम है अभी आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एसीपी सर, सर कहाँ हैं आप? सर अचानक पता नहीं क्या उन दोनों ने लंच का प्रोग्राम कैंसिल किया और कहने लगे कि होटल में उन्हें कुछ काम है। और सर मैंने उनसे कहा भी कि हम इसी होटल में लंच कर लेते, पर पता नहीं क्यों उन्होंने प्लान कैंसिल कर दिया। कौन से होटल में? होटल ITZ It's hotel. कोई बात नहीं, पता चल जाएगा। लेकिन तुम दोनों को पता है ना अपने मंगेतरों के साथ क्या करना है? Yes, sir. Yes, sir. हमें ये शादी नहीं करनी है। क्या? तुम दोनों शादी करना नहीं चाहते, मगर क्यों? क्योंकि हमें नहीं लगता कि ये रिश्ता हमारे लायक है, इसलिए ये एंगेजमेंट हम तोड़ रहे हैं। मगर तुम दोनों की मर्जी से ही तो ये रिश्ता तय हुआ था ना? और अब हम हमारी मर्जी से इस रिश्ते से इनकार कर रहे हैं। ये क्या बकवास है, इस तरह से तुम रिश्ता नहीं तोड़ सकती। अब मेरा मतलब है, क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ, हम लोग बैठ के सॉल्व करेंगे, है ना? मैं ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, आप लड़की के माँ बाप को बुलाइए। सुनिए, इसमें हमारे माँ बाप को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है, जो बात करनी है आप हमसे कीजिए। और अब तो हमारा इस मैरिज ब्यूरो पर से भी विश्वास उठ गया है, हमें आपके लड़कों की गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। और हमें तो बाहर से ये भी पता चला है कि इस मैरिज ब्यूरो में शादी के नाम पर फ्रॉड किया जाता है। एक्सक्यूज मी, आप हम पे इतना झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती, आप हमारे कैरेक्टर पे शक कर रही हैं। और हमने आपसे कुछ भी तो नहीं छुपाया, ना ही कोई बदतमीजी की आपके साथ, फिर आप दोनों को अचानक क्या हुआ? सॉरी, हमें जो कहना था वो हमने कह दिया, हम ये शादी नहीं कर सकते। चलो इन लड़कियों के तेवर तो देखो, आज तक इस ब्यूरो में किसी भी लड़की ने रिश्ते से इनकार नहीं किया है। डॉक्टर सालुंगे ने जो बताया उस हिसाब से यही जगह लगती है, टायर पे वो कलर यहीं पे लगा होगा। सुनो भाई साहब, ये ना जाने कहां से यार मुझे मारने लगे। बता सर, हम तो कारीगर है सर। प्रिया कहां है? सर प्रिया से कुछ लेना देना नहीं सर हमारा। लेना देना नहीं है, ये लेने का बचाने का नाटक कर रहा था तू उससे। प्रिया प्रिया ऊपर है सर, ऊपर है। बाय प्रिया। चल बता प्रिया कहाँ है? यहीं कहीं पे होगी, यहीं कहीं छुपी होगी सर। Ah!
रही है आज? कहाँ है मेरी बेटी? क्या किया आप लोगों ने लिया के साथ? कहाँ है? हमने कुछ नहीं किया आपके बेटी के साथ। तुमने ही गाड़ी में वो जहरीली सुई लगा के उसे मारा है। क्या? मेरी बेटी मर गई। मेरी बेटी मर गई। नहीं। अरे निकम्मो, इतना छोटा सा काम भी नहीं कर पाए तुम लोग। अरे क्या बदतमीजी की तुम दोनों ने उन लड़कियों के साथ? मैडम, हम लोगों ने उनके साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया। अरे ऐसा वैसा कुछ नहीं किया तो उन्होंने शादी से इनकार क्यों कर दिया? कल तक तो सब सही था मैम, आज अचानक उन दोनों को क्या हो गया पता नहीं। लेकिन मुझे इतना पता है कि हमें किसी भी हालत में उन्हीं दो लड़कियों की डिलीवरी देनी है, क्योंकि हम एडवांस पैसे ले चुके हैं, वरना मेरा जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन तुम लोग जिंदा नहीं बचोगी। अब लगा निशाने पर तीर। नीलम और नेहा को चौकन्ना रहने के लिए कहना पड़ेगा। मैंने नहीं मारा मेरी बेटी को, मैं क्यों मारूंगी अपनी बेटी को, बताइए ना क्यों? आपकी बेटी पे हमला हुआ तो दर्द हो रहा है आपको? हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी। वैसे प्रिया जी, इलियाना अब खतरे से बाहर, लेकिन उन 20 लड़कियों पर अब भी खतरा मंडरा रहा है। आपको आपके किए की सजा तो जरूर मिलेगी, मगर आप उन 20 मासूम लड़कियों को जिंदगी भर के लिए सजा मिलने से रोक सकती हैं। हमारे एसीपी साहब ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है इस केस को सॉल्व करने के लिए। अगर आप ये बता सकती हैं कि उन लड़कियों को देश से बाहर कब भेजा जा रहा है तो शायद। वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब से मेरे बॉस को पता चला कि एसीपी प्रद्युमन मुझ पर नजर रखे हैं, तो मेरे हाथ से सारा काम छीन लिया गया और सारी भागदौड़ उन्होंने संभाल लिया। बस इतना ही जानती हूँ कि वो 20 लड़कियां अभी इंडिया में ही है। सुनो, वो दोनों बदमाश तुमसे शादी करने के लिए तुम्हें मनाएंगे या फिर जबरदस्ती करके तुम्हें कहीं पर ले जाएंगे। आप फिक्र मत कीजिए, हमारी गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ है जिससे आपको हमारी लोकेशन की जानकारी मिलती जाएगी। वेरी गुड, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, कोई मुठभेड़ नहीं करना। वक्त से पहले ही मैं पहुंच जाऊंगा तुम दोनों को बचाने के लिए। ओके सर, फोन रखती हूँ, गुड डे। क्या बताना चाहते थे तुम दोनों? बताना नहीं, उठाना चाहते थे। क्या? तुम लोग एक छोटी सी प्रॉब्लम में फंस गए हो। ये तो हम अच्छे से जानते हैं कि तुम लोग हमसे शादी तो नहीं करोगे, इसलिए तुम लोगों को उठाकर ले जाना पड़ेगा। आया समझ? चलो बोलो, मुझे क्या कर रहे हो तुम लोग? अंग्रेजी में ऐसे किडनैप कहते हैं। ए, चुप रहने का, चुप। ये चिल्लम चिल्ली पसंद नहीं अपने को। अलम भाई बोल, पता नहीं और कितना इंतजार करना पड़ेगा। और सुना है कि सीआईडी वाला को भनक लग गई है। अरे नेहा और नीलम के ट्रांसमीटर बता रहे कि वो दोनों पनवेल के जे स्क्वायर आई ब्लॉक में है। रेडी, मेरी बात ध्यान से सुनो। नहीं नहीं, लेकिन मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है। हाँ, आप ऐसा करो, मेरा टिकट बुक कर दो आज रात का ही। हाँ मैडम। अरे सुनो सुनो सुनो, मैं भी आप लोगों के साथ आ रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि सीआईडी मुझे गिरफ्तार कर ले। बॉस से जाकर कह दो कि मैं आप लोगों के साथ हूँ। मैम आपको तो हमारी गैंग का रूल पता है ना, जिसमें एक बार सीआईडी को शक हो जाता है वो वापस हमारे गैंग में नहीं आ सकता। अरे लेकिन सीआईडी के पास सबूत क्या है? वो तो वैसे ही हाथ मार ना रहे हवा में। तुम बॉस को मैसेज तक करके देखो। मैम आपको अच्छी तरह से पता है हमें से कोई भी बॉस को कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता, जरूरत पड़ने पे वही हमें मैसेज भेजते हैं। अरे टाइम वेस्ट मत करो, जो भी करना है बाहर निकल के करो, लेकिन पहले यहाँ से निकलो। अरे चलो चलो जल्दी जल्दी। जो जाए वही खड़ा रहेगा, कोई भी बाहर जाने की कोशिश नहीं करे प्लीज। नहीं नहीं नहीं, हिमानी जी आप स्टैचू बन जाइए, पत्थर की बन जाइए और खड़ी हो जाइए एक जगह पे। कब से इच्छा थी तुमसे मिलने की? जब से मैंने सीआईडी ज्वाइन किया है मेरी तो शादी नहीं हो रही है। मुझे छोड़ दे तो तेरी शादी कर दूंगी। सर कहाँ भाग रहा है? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। बॉस कौन है? सर सर देखिए सर, मुझे कुछ नहीं पता, सिर्फ होटल ईद से मैं जाके मैसेज उठा के लाता हूँ। मैसेज आया जी? इधर दे।
फौरन मुंबई छोड़ो। आज रात की डिलीवरी के बाद मुंबई के सारे ऑपरेशंस बंद करवा दो, और जब तक मेरा अगला मैसेज नहीं मिलता तब तक सभी अंडरग्राउंड हो जाओ। ओह, डीसीपी सर को नेहा और नीलम के बारे में जो खबर मिली थी पनवेल वाली, वो डिलीवरी भी आज रात की थी। अच्छा, बॉस है बहुत चालाक आदमी, कंप्यूटर से लिखता है फिर प्रिंट आउट निकाल लेता है ताकि पता ना चले कि किस कंप्यूटर में लिखा गया है। ये देखा नहीं, बीच बीच के अक्षर जो हैं धुंधले हैं। प्रिंटर में इंक खत्म हो गई थी क्या? शायद वो बड़ी जल्दी में था सर, उसे दूसरा प्रिंट आउट निकालने का टाइम ही नहीं मिला होगा। जिस ऑफिस में धनाधन प्रिंट आउट निकाले जा रहे हैं उसी ऑफिस के प्रिंटर की इंक खत्म होगी ना। मतलब ये प्रिंट आउट इसी ऑफिस में निकाला गया शायद। क्यों इमानी जी, आपको कुछ पता है? लेकिन मुझे बॉस के बारे में कुछ नहीं पता, और अगर यहाँ से प्रिंट आउट निकाले जाते थे तो मुझे पता नहीं चलता था क्या? आपको तो ये भी पता नहीं होगा कि आपका बॉस औरत है या आदमी है? हो सकता है इनमें से कोई आपका बॉस हो है? कम से कम आपको इतना तो पता होगा कि कौन सा प्रिंटर है जिसकी इंक खत्म होने वाली है। सर, इस तरह की प्रिंटिंग तो बाजू वाले कमरे के प्रिंटर से होती है, और कल देर रात तक वो प्रिंटर के साथ कुछ कर रही थी। मतलब कोई औरत है? कौन थी औरत? कौन है तू? तू अंदर कैसे आई? तुम यहां क्या कर रही हो? तुम लोगों के घर मेरी वजह से चलते और कुत्ते अपने मालिकों के ऊपर भौंकते नहीं। कि माया, तुम क्या हुआ, चौंक गए ना तुम लोग? इन सारी लड़कियों को यहां से लेकर जाओ, बाहर गाड़ियां हमारा इंतजार कर रही हैं। शाम होते ही हमें यहां से निकलना है। सर, लड़कियों को बंगलो नंबर 35 में बंद करके रखा है, कुछ लोग हैं और उनके पास गन्स है, उनको रोकना होगा सर। चलिए। हाँ, लिखा सर, जब जब कोई शुभ कार्य करने जाते हैं डीसीपी साहब हमारा रास्ता काटना चाहते हैं। अभी उतरते ही बोलेंगे, मुझे सब पता था। मुझे पता था कि तुम लोगों ने इस प्रदुमन के साथ मिलकर कोई प्लान बना रखा है। वो नया एसीपी दिग्विजय वो वहां ब्यूरो में बैठ के दर्द भरे गाने गा रहा है, और तुम लोग इसके साथ निकल पड़े। सर ये वही केस है, जैस्मिन और प्रिया का केस। आज हम वो केस खत्म करने जा रहे हैं सर, हमें जल्दी जाना होगा। मगर ये प्रदुमन क्यों चिपका हुआ है साथ में? ये एसीपी नहीं है। बिना नए एसीपी को बताया तुम लोग रेड पे निकल पड़े, ये गलत है, कार्रवाई होगी सबके खिलाफ। और प्रदुमन, तुम पीछे के रास्ते से फिर से घुसने की कोशिश कर रहे हो क्या सीआईडी में? आपके सवालों का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता चित्रलेखा साहब, उससे जरूरी है उन मासूम लड़कियों की जानें बचाना। ये थोड़ी सी बहादुरी दिखा के तुम्हारी सीआईडी में फिर से घुसने की इच्छा को मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। अरे तुम तो अभी कांस्टेबल भी नहीं हो, एसीपी तो छोड़ो। किसी की जान बचाने के लिए मुझे पुलिस या सीआईडी के ठप्पे की जरूरत नहीं है, समझे? देश के नमक का फर्ज अदा करने जा रहा हूँ मैं। चलो बड़ी मुश्किल से निकाला है तुझे सीआईडी में से, बस अब यही बचा था तुम्हारी जिंदगी में। हाँ, यही है। चित्रले साहब, कहीं देर ना हो जाए, लड़कियों की जानें चली जाएंगी। तो फिर फोन करो एसीपी दिग्विजय को, जल्दी। सर उतना टाइम नहीं है सर, अगर लड़कियों की जानें चली गई तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। अरे तो मैं कब कह रहा हूँ कि लड़कियों को मरने दो। तो फिर जाने दो हमें। नहीं, तुम नहीं जाओगे, तुम लोग जाओ, बाकी लोग जाओ। तुम हम लोग एसीपी साहब के बिना नहीं जाएंगे। इतनी हिम्मत? सर उस गैंग के बारे में इन्होंने ही पता लगाया। मगर ये नहीं जाएगा, ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है चित्रले साहब, आप समझ नहीं रहे। प्रदुमन, दूर हट जा गाड़ी से, दूर हट जा। उनमें से एक लड़की को भी खड़ो जाएगी ना तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। मजबूर मत कर, फायर कर दूंगा। तो फिर चलाओ गोली। लगता है मेरे हाथ से तेरा मरना लिखा है।
सर नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? सर 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 प्लीज। बहुत दिनों से गन तो चला ही नहीं है, क्या होगा? चलो लाल लेकर खड़े हो जाओ, चलो 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 हेलो खड़े हो। चुप करो, बंद करो ये रोना धोना। यहाँ पर हमें लेके कहाँ जा रहे हैं? ये पूछना तुमने कब से शुरू कर दिया? हाँ नहीं जाएंगे हम, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। इंजेक्शन लगा दो इन सबको, चार पांच घंटे के लिए सुला दो। गोवा पहुंचने तक इनमें से कोई भी जागनी नहीं चाहिए। नाम दो उन सभी लड़कियों के जिन्हें तुमने इंडिया के बाहर भेजा शादी के बहाने। बहुत हो गया तुम्हारा मासूम भोली भाली लड़कियों पर अत्याचार। अब ऐसे कानून बनेंगे ना कि तुम जैसे लोग सोच भी नहीं सकते लड़कियों की तरफ आंख उठाकर देखने की, समझे? रिया, ले जाओ इसे दूसरे कमरे में और स्टाइल से पूछताछ करो। ये क्या, रेड खत्म हो गया? यस सर, केस भी सॉल्व हो गया और सारी लड़कियां बचा ली गई सर। वेरी गुड। अगर एसीपी साहब मैरिज ब्यूरो में क्लर्क बन के नहीं जाते तो ये केस सॉल्व होता सर। कल सारे अखबारों में एसीपी साहब के बहादुरी के किस्से तो छपी जाएंगे। उसके बाद तो इन्हें वापस लेना ही पड़ेगा। तुम लोग एक काम करो, बैंड बाजा मंगवाओ, प्रद्युमन का जलूस निकालो, मैं डांस करूंगा आगे, डांस करूंगा। चित्रोले कॉलेज में था तब भी ऐसा ही था, बात बात में उखड़ता था, और अब तो इसके दिमाग में गुरूर भी भर गया। सर आज तो उन्होंने अपनी हार मानी ली है, अब आप जल्दी से सीआईडी में। नहीं अभी, अब नहीं, अब सीआईडी में वापस कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।